रिसेंटली रश्मिका मंदाना का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसे डी फेक के हेल्प से बनाया गया था। एआई के हेल्प से उनके फेस को चेंज कर दिया गया था जिसके ऊपर रश्मिका मंदाना ने एक बड़ा पोस्ट भी पब्लिश किया था जिस पर उन्होंने लिखा था कि ये टेक्निकल का मिसयूज किया जा रहा है जिससे किसी को भी हानि पहुंचाया जा सकता है। जहां अभी ये न्यूज़ वायरल हो ही रही थी किसी बीच कैटरीना कैफ की भी डी फेक से एक वीडियो वायरल हो रही है। जी हाँ, जैसे कि आप सभी ने देखा टाइगर 3 के ट्रेलर में कैटरीना कैफ का एक टॉवल का सीन है जिसको रिप्लेस करके काफ़ी बोल्ड बना दिया गया है और जिसमें कैटरीना कैफ को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसके बाद कैटरीना कैफ काफ़ी अपसेट हो चुकी है और उन्होंने कहा कि इस पर काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ये किसी की भी इमेज को खराब कर सकता है और जो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। रश्मिका के बाद कैटरीना चपेटे में आ चुकी है, अब अगला टारगेट कौन है ये किसे पता। खैर, ये तो सेलिब्रिटीज है तो इनके लिए चलता है, लेकिन अगर एक आम इंसान के साथ ऐसी हरकतें हो जाए तो वो क्या कर सकते हैं। इसीलिए मेरी भी और सभी के लिए यही सेफ है कि गवर्नमेंट को इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए। सो गाइस, इसी तरह के अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।